Hi, my dear students. I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss new topic, cube and cube root. It is interested topic. So look here. First we are discuss to cube. If a number x is cube of is equal to x into x into x, that means x is a any number, that means q of any number is multiplied by 3 times itself, yani kisi bhi number ka ghan usi number ko 3 bar aapas mein multiply kar diya jata hai to wo uska kya hota hai cube hota hai yani uski value hoti hai. As for cube of 1, cube of 1 into 1 into 1 1 1 is 1 1 1 is 1, so answer is 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 ऐसे 1 1 1 3 एक भी राइट कर दिया था मैंने. 1 into 1 into 1 equal to 3, तो आप नहीं राइट कीजिएगा. 1 का क्यूब एक यही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब यही नहीं एक जीरो भी है. जीरो का क्यूब जीरो, वन का क्यूब वन. दो ऐसा नंबर है. देखिए यहाँ पे क्या फैक्ट आ रहा है, कुछ सीखिए भी. कौन दो ऐसा नंबर है जिसका क्यूब वो सेम आता है, तो जीरो. अब कहोगे सर जीरो नंबर नहीं है, ये नंबर श्रेणी में रखा जाता है. जीरो और वन का क्यूब वो सेम आता है. जैसे देख लीजिए, जीरो का क्यूब कीजिएगा क्या आएगा, जीरो आएगा. अब देखिए हम लोग इसके कुछ टॉपिक को जब पकड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1 to 9 तक का क्यूब निकालते हैं. तो 1 to 9 का क्यूब तो आपको याद ही होगा, या फिर आसानी से निकाल भी सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर हमारा कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 तक लेंगे, 7 है और 9 है. ठीक है, इधर ले लेते हैं क्यूब ऑफ इवन नंबर. ओके, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है. ओके, देखते चलोगे, एकदम अच्छे से इसको लर्न करोगे, सीखोगे कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. रहा बात डेसिमल का, तो डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट में तो मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप दूसरे को समझाते फिरोगे, यानी अंडरस्टूड कराओगे. यहाँ देखो, क्यूब ऑफ 1 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हुआ, 1. क्यूब ऑफ 3 3 इंटू 3 इंटू 3, आप समझ ही गए होंगे मैं बताने क्या जा रहा हूँ. क्यूब ऑफ 5 5 इंटू 5 इंटू 5 125. क्यूब ऑफ 7 7 इंटू 7 इंटू 7 343. क्यूब ऑफ 9 9 इंटू 9 इंटू 9, शायद 729 होता है, देख लीजिए, 81 इंटू 9. ओके, सही है. क्यूब ऑफ 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8. 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64. 4 4 4 16 16 4 64. 6 इंटू 6 इंटू 6, शायद 512, शायद देख लिया जाए 216. यस, 512. 8 into 8 into 8 is equal to 512. देख लीजिए, 64 into 8. यस, देख ली. अब यहाँ क्या ऑब्जर्व, एक चीज और यहाँ देख लीजिए, एक कंडीशन और. 10 into 10 into 10, बट इसमें हर कंडीशन में ये लागू नहीं होता है, तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है. देखो बाबू, क्यूब ऑफ ऑड नंबर, ऑब्जर्व हियर,
ऑड नंबर 1 क्यूब 1 ऑड, ऑड नंबर 3 क्यूब 27 ऑड, क्यूब ऑड नंबर 5 क्यूब 125 ऑड, ऑड 7 क्यूब ऑड, ऑड 9 क्यूब ऑड, यानी क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर, ऑलवेज एन ऑड नंबर. क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. लुक हियर, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्यूब ऑफ जीरो इज जीरो. सो इतना तक समझे आप लोग? इसमें कल कुछ क्वेश्चन मैंने बिना वीडियो यानी बिना आपको बता ही दिया था बहुत लोगों ने. अब ये तो फाइव क्लास के लिए टॉपिक हो चुका है. प्राइवेट स्कूल में ये फोर फाइव के बच्चे बहुत आसानी से बनाते हैं और आसानी से करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्यूब में थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना. इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ क्यूब एंड क्यूब, इट इज अ मल्टीप्लाई. अंडरस्टूड? सो लुक हियर, सबसे पहले आप लोगों ने क्यूब सीख लिया. किसी भी नंबर का क्यूब आप निकाल सकते हो. जैसे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर 40 का क्यूब निकाल रहा है, जीरो वाले कंडीशन में आप करोगे क्या? बहुत आसान मेथड से निकाल सकते हो. बहुत सारे बच्चों को मैं मल्टीप्लाई करते हुए देखा हूँ तो कभी कभी हंसी आती है. हंसी इस बात पे आती है कि जहाँ पे हम शॉर्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे वो लॉन्ग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. 4 4 जा 16 16 4 जा 64, कितना जीरो हुआ? 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए, इसका क्यूब हो गया. ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर आप बताइए इसका क्यूब, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करना ही करना होगा. या फिर अगले पार्ट में आपको ट्रिक दूंगा जो मज़ेदार होगा और बड़ी आसानी से आप इसको करोगे. अब ज़रा देखो, इसको कॉल्यूम मेथड में भी बनाया जाता है. ट्रिक आज नहीं दूंगा क्योंकि पहले ट्रिक दे देता हूं तो आप लोग को मल्टीप्लाई करने का मन नहीं करेगा. तो पहले आप लोग इसे सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई या जो मन करे वो करके कीजिएगा. देखिए बाबू, 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करना हो और कॉल्यूम मेथड में दिखाना हो, कॉल्यूम मेथड, यही एक मेथड बता करके लास्ट करेंगे. ल्यूम मेथड, ओके. आप ये जानते हो ना, ए प्लस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. बी क्यूब पहले नहीं लिखेंगे, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab² प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखते हो. सपोज करो नहीं भी जानते हो तो इसको राइट रिमेम्बर कर लोगे, ए प्लस बी दी होल क्यूब. या तक कैसे है ये भी बता दें क्या? प्रूफ भी कर दें. नाइन्थ में प्रूफ करते हैं, लेकिन लीजिए आप लोगों के लिए एट में ही कर देते हैं. आप लोग भी करते हो LHS. चलो इसी को देखा जाए, ए प्लस बी दी होल क्यूब. अगर मैं इसको इतना ला दूं तो प्रूफ हो जाएगा. इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर लिख सकते हो. क्यों लिखे? 2 टाइम और 1, ये सेम बेस है तो पावर यहाँ 1 है तो जुटेगा तो ये 3 हो जाएगा ना. अब तो इसके बारे में आप लोग जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हैं आप लोग. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बारी बारी से ए से सब में, तो ए को ए स्क्वायर से कीजिएगा तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस 2a² b. फिर b से कर लीजिए, ए बी एस ए स्क्वायर बी, बी से किए तो ए स्क्वायर बी, फिर बी क्यू और प्लस 2ab² सेम जात यानी सेम कास्ट को ऐड करोगे. ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है इस कंडीशन में. यहाँ देखो, लिखेंगे ए क्यू प्लस ए स्क्वायर वाला कंडीशन. देखो एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 1 3, 3a² b प्लस, यहाँ देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी 2 और 1 3, 3ab² प्लस bq
हुआ ना प्रूफ, यानी आप प्रूफ भी कर सकते हो। इसको देखो, रट्टा नहीं मारो, आप खुद मल्टीप्लाई करके जो चीज निकाल सकते हो उसको आप रिमेम्बर कर लेते हो। और ये आप जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लालच में मत पड़ना। कहानी सुने हो ना, उसमें क्या होता है, तोता जो है वो रट लिया है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता है कि इसका मतलब क्या है। वो रट गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में नहीं पड़ना। अब फंसा हुआ है, बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो नहीं समझा। तो जब आप इसको समझ गए हो तो इसी टॉपिक पे 2 डिजिट नंबर का क्यू आसानी से हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमें 23 का क्यूब निकालना हो, ठीक है बाबू, 23 का क्यूब निकालना है। इस ए है और ये बी है, ये प्लस साइन आप मिटा दो, ओके, इसलिए मिटा दो, यूनिट डिजिट लिखोगे जो कैरी, जैसे स्क्वायर रूट में करते थे, जो बचेगा इसमें आके सम हो जाएगा, फिर यूनिट डिजिट इसका लिखोगे, जो बचेगा इसमें आके सम होगा, यूनिट डिजिट और लास्ट में टोटल, ओके। तो लिखते हैं ए क्यू, 2 का क्यू 8, ए क्यू तो 2 का क्यू, ए क्यू है तो ये यहाँ है तो ए का क्यू, यानी 2 है तो 2 का क्यू 8, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना होता है 4, ए सॉरी ए क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इंटू क्या बी, तो बी कितना है 3। खूब अच्छे से देखो, 3 इंटू ए, ए की वैल्यू 2, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी क्यू 3 का क्यू 27, ओके। अब देखो इसको खींचेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, बड़ा बड़ा चिन्ह ले लीजिए, फिर 3 2 जा 6, 6 9 जा 54, और ये 27 ले लीजिए, 7 इसमें 2 आकर के तो 56, 6 5 कैरी हुआ 5 इसमें आएगा 41, 1 4 इसमें आकर के 4 12, ये हो गया क्यूब ऑफ 23, ओके। 1 2 1 6 7, आप ठीक इसी तरीके से किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसका क्यूब आप कॉल्यूम मेथड से निकालोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी ये कॉल्यूम मेथड आया कहाँ से, तो ये भी बता दिया गया है कि फॉर्मूले के द्वारा आया। तो आप इसका क्यूब निकालोगे कुछ नंबर्स का, 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यूब ऑफ एक आसान एक हार्ड, हार्ड क्या सब तो आसान ही है समझ गया, तो 45 4 32 5 92 6, चलो यहाँ ले लेते हैं 81, ठीक है 6 क्वेश्चन करोगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक और क्विक के साथ। सो बाय माय डियर स्टूडेंट्स।